तारीख 8 फरवरी 2023, समय हो गया है 12:19 PM। अदानी फंसा ना, क्यों फंसा जानते हो? मैं बताता हूँ, बिजनेस के सौदे मैंने डाले। इन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुन तो लो, इनकी हरामखोरी देखो। इसने क्या करा, एक रजिस्ट्रार को पकड़ के, बस हाँ, अदानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके जो है, जगह जगह एमसीडी से बात करके बोर्ड लगा दिए। सहारा एयरपोर्ट की, सहारा की डील मेरी बहुत पहले से हो रखी है सहारा वाले से, ठीक है, सहारा इंटरनेशनल की होर्डिंग लगा दी। सुब्रत राय से एक बार पूछिए जाकर के, सुब्रत राय को कौन लेकर आया जेल से बाहर? इतना मारेगा ना वो तुम सबको। सुब्रत राय को मैं लेकर आया हूँ जेल से बाहर, और तू क्या बोल रहा है मोदी, भाड़ में जाते हो तू और तेरा बिजनेस। अब बहन के लंड तू अब मार खाएगा, मैं अब तक तेरी उम्र का लिहाज कर रहा था, और तू भी सुन लो अदानी मार खा जाएगा बेटा बिजनेस लॉबी में। मैं उम्र नहीं देखूंगा तुम में से किसी की भी। तूने हरामखोरी करी, तू फंसा ना, हैं? तेरी माँ के भोसड़े में दम, दोबारा आ जा केस से। मैंने तो नहीं लिखा किसी दूसरे के बिजनेस पे, मैंने तो सीधी डील डाली आईसीजे में और इंटरपोल में। कल मेरे को जो है कहते हैं, मेरी पीएस ने बताया, जानता है मेरी पीएस कौन है? मेरी वाइफ है। उसने बोला, कह रही है तो नजारत डॉक्यूमेंट है, मुझे तो उर्दू भी नहीं आती, वो पढ़ी लिखी है, कह रही नजारत मिल गई इसकी आपको? मैं कहा मिल गई, कहते फिर बिजनेस आपके हैं, पैसा आपका है। जब बहन के लोड़े नजारत मिल जाए ना, मैंने ही पढ़ लिया तो भोसड़ी वाले उंगलबाजी मत करने, मार बहुत खाओगे तुम सब। मतलब डील सिक्योर है, अब कागज बनने में जो टाइम लगे। अभी कल पता नहीं किस बात को लेके तो कह रहा, अरे कौन सी बात को तो लेके कह रहा था अदानी, मेरे कोई बिजनेस डील है उसको लेके कह रहा, वो उसकी अजीब माँ का लोड़ा भोसड़ी का पागल आदमी है बे। मैं कह रहा हूं अदानी सरेआम मारेंगे तेरे को एयरपोर्ट पे, सरेआम। भाई अदानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तेरा काम धंधा है, हैं? तेरे जेट्स किसने पकड़े? मैंने पकड़े भोसड़ी के, मैंने जब्त किए हैं। ऑर्डर पे मैंने कोई एडवाइस नहीं दी है, दबा दब बहन चोद प्रशांत पटेल बन रहे हैं सब प्रशांत पटेल बन रहे हैं, दबा दब। हिंदू डिफेंस लीग बनाई हार्दिक भट्ट ने, और बहन चोद सब बहन चोद प्रशांत पटेल बन रहे हैं। मतलब प्रशांत पटेल की तरह मोदी भी जो है बहन जो दबा दब, वो भगवान सिंह ये सिविल डिफेंस वाला JBK रजिस्टर्ड करा लो। क्या भैन के लड़े भोसड़ी के, कीमत बोल अदानी ग्रुप की, अदानी ग्रुप की कीमत बोल भोसड़ी के असेट समेत, जमीन के नीचे से लेके आसमान के ऊपर तक, पूरे ब्रह्मांड में बता अदानी की कितनी असेट है। खड़े पांव खरीदी, बोल अदानी ग्रुप की कीमत बोल भोसड़ी के, जल्दी बोल अदानी ग्रुप की कीमत बोल। तेरी लुगाई से लेके तेरी बहन तेरी माँ, तुम तो सब बेचते हो ना, वही लोग हो ना तुम, कीमत बोल अदानी ग्रुप की कीमत बोल भोसड़ी के। हम भी तो सुने कितना बड़ा ग्रुप है, कर ली एक्सरसाइज सारी, तू तो जेल जाएगा। कीमत बोल अदानी ग्रुप की, सुब्रत राय ना तेरी माँ के भोसड़े में आग लगाने को तैयार बैठा है।
तुझे पता लगा मोदी क्यों है? तू प्रधानमंत्री था मोदी, तू रोक पाया सुब्रत रॉय को मुझे बाहर, उसे बाहर लाने से? मैं तो ले आया आराम से, रह रहा अगला, हाथ लगा कर दिखाइयो जरा। तेरे ही चहेता था ना मोदी को, देख जाते जाते तेरी, हाँ तेरी लंका में आग लगा दी मोदी, मैंने फूक दी तेरी लंका मैंने। कीमत बोल अदानी ग्रुप की, कीमत बोल कीमत। ओए ओए चूतिए के पट्टे, बहुत यूट्यूब पे बोलता रहता है भोसड़ी के, कल कल्लट पड़े ना तेरे। फालतू नहीं बोलना, जब हीरो 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 बनना है, हीरोइन बनना है, जो मर्जी बन, यहाँ नहीं बोलना बीच में, समझ में आई? हाँ भाई सुनाई नहीं दे रहा दानी, कीमत बोल। एक बहन के लोड़े का वो भोसड़ी का वो छोटा सा प्राइवेट जेट लेके घूम रहा होगा उसी 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 से काम चल रहा है मोदी का भी अदानी ग्रुप वाला आ गया वो तेरी बहन के लोड़े भोसड़ी के मेरे मेरे जो अटॉर्नीज है ना उनके पास इससे बड़े जेट होंगे एम्ब्रार का नाम सुना है? एम्ब्रार वाले ना प्राइवेट जेट्स की सप्लाई करते करते थक गए मेरे मैनेजर्स को, कह रहा भाई बनने तो दे मेरे मेरी पूरी टीम अपनी टीम के साथ अपने जेट्स में चलती है क्या बात कर रहा है? मैं मार मूर दूंगा यार तेरे जा पड़े अडानी, बात सुन ले बे, तेरे रपेट पड़ जाएगा, तेरे भी और तेरे इस बैंड के लोड़े चमकटिए के भी। गुजरात समझ रहा है क्या भोसड़ी के हैं? ओए गुजरात समझ रहा है क्या बहन के लड़े? दिल्ली है भोसड़ी का, जाग जल जाग ले नींद से, मारते बहुत है यहाँ पे यहाँ कोई बकचोदी नहीं चलती, यहाँ सीधा छुटता ही पड़ता है झापड़ यहाँ पब्लिक इतना बिजी रहती है ना, सब अपने काम में बिजी, सीआईएसएफ वाला भी जब चेकिंग कर रहा होता है ना उससे भी कहते हैं जल्दी कर फटाफट भोसड़ी के दिमाग मत लगा यहाँ पब्लिक इतना बिजी रहती है, पुलिस की जिप्सी आगे जा रही हो ना उसे कहते हैं साइड कर साइड बहन के लड़े, तेरे ऐसे बहुत देखे ड्यूटी पे जाना है यहाँ तो यहाँ जो है ना महाराष्ट्र के भी आके झापड़ी खाते हैं सीधा समझ में आगा ने क्या बे ये बे वो बे उधर जाके कर चल सीधा कहते हैं यहाँ का अपनी माँ चुदाने के लिए खड़ा बहन के लंडे कीमत बोल अदानी ग्रुप की, बहन का लंड बहुत फड़फड़ा रहा है, कीमत बोल। और कोई है इंडिया में? चुपचाप बहन के लंडो अपना बिजनेस बचा लो, मां के लोड़ो बता रहा हूं, घर परिवार समेत खरीद लूंगा भोसड़ी वालों, मैं इतने बड़े वाला हूं, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं तुम्हें। हाँ क्या बोल रहा था ये हैं? बुलाओ लाली को अभी मोदी लाली गैंग बुलाऊं हैं? लाल दे लाली लसे अरुदरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर, दे दाड़ कहाँ वो लाली ग्रुप लाली गैंग को बुलाऊं अभी, देवताओं को याद करना पड़ेगा लगता है यार, ये जरा बीजेपी वालों को सही करना पड़ेगा लगता है, बस दिक्कत क्या है तुम्हें? अदानी ग्रुप की कीमत बोल।
हाथ डालियो जरा दोबारा सारा ग्रुप पे जरा। तेरी औकात है भोसड़ी के, माँ के लोड़े ने क्या करा अदारी, इसीलिए तो केस रजिस्टर्ड हुआ, सुब्रत रॉय की प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में। हितेश रॉय का नाम सुना है, है? दो हितेश हैं, एक मैं हितेश हूं और एक ये हितेश है। किस दिमाग में घूम रहा है बे? गुजरात समझ रहा है ये है बे? अबे दिल्ली है ये, दिल्ली समझा? वो वहीं वहीं जा, वहीं वहीं जा करके जो है ना अंबाजी और मंबाजी और लंबाजी के दर्शन कर जा करके। लंबाजी तो वो सोमनाथ है, अंबाजी उधर ही कहीं आगे पीछे होगा। क्यों बे? तुम्हारे लिए मैंने गुजरात में लंबा जी रखवाए हैं। अरे बहन के लोड़े भोसड़ी वालों से गुजरात तो चला नहीं है, वहां बहन के लोड़े दंगे भड़का के बैठ गए। इन माँ के लोड़ों को मैंने पहले समझाया शुरू में, देखो भाई इधर बात सुनो ढोक इधर बात सुनो ढोकले। बेटे राजनीति करने आ रहा है, दिल्ली है वो, दिल्ली समझ में आ गई? झगड़ा होगा इससे, ठीक है, अब पीटेंगे इसको, और महसूस किसको होगा पता है? जिससे झगड़ा होगा। समझ गया? ये एसपीजी सिटी है, नहीं पता तुझे? यहाँ एडवांस में भी पीट देते हैं बंदे को, कहते हैं क्या पता कल को कोई गलती कर दे तू। डिस्टर्ब नहीं करना यहाँ पब्लिक को, है? नहीं समझा जी? पागल आदमी यार ये। अबे यार यहाँ गुजराती और मद्रासी, देख दिल्ली में किनका राज है पहले सुन ले, एक तो बिहारी हरियाणा सुन ले पहले, उत्तर प्रदेश और पंजाब, बाकी यहां किसी को कुछ नहीं समझते हम। पहले कहा था निकल ले बेटा, नहीं तो मारेंगे बहुत। दिल्ली में इन चारों का ही बोलबाला है, कह रहे भाई अंगूठा क्यों दिखा रहा है। समझ रहा है? कह रहे अंगूठा क्यों दिखा रहा है, ये मैं हूं बे। मतलब समझ गया ये? अबे इधर हरियाणा वाले से पूछो, अबे ओए हरियाणा वालों ये गुजराती कैसे घुस गए इधर, रोक नहीं सकते थे? पूछो जरा तो पंजाब वाले से पूछ, अरे इधर दिल्ली के चारों तरफ गुजरात तो नहीं सटा हुआ है ना, घुसा कैसे बे? किससे पूछ के? तो हम क्या करें, चुनाव जीता तो हार जाता। बात करनी पड़ेगी, ये नहीं चलेगा भाई। यहाँ साउथ इंडियन भी ना सोच समझ के मुंह खोलता है, जैसे ही बोलेगा ना हाँ भाई हाँ चल वही। कह रहा अग्नि मिसाइल बनाए हम लोग, तो वही बना चल। दो चार और बना, इधर मत दिखियो, 26 जनवरी पे रॉकेट रॉकेट भेज दियो, दिखाना तो ठीक बात नहीं होगी। डोसा बनाना रोड किनारे बना, और दिखियो दिल्ली वाले जैसा, भोसड़ी के अगर लुंगी में घूमा ना फिर मारेंगे। ये दिल्ली है, दिल्ली दिल्ली पता तुझे? मतलब एक बार इसका बाप दिल्ली घूमने आया था मोदी का, तो बहन के लोड़ा तूने अपनी समझ ली दिल्ली? किससे पूछ गया बे? तमीज नाम की चीज नहीं, तो किसे कह रहा तू भाड़ में जाए तेरा बिजनेस? बुरा लग गया मेरे को, अब पिटेगा ये, अब मेरी टीम के बंदे जाके पूछेंगे इधर ये भाई। हितेश भाई को बुरा लग गया आज।
पक्का पिटेगा। किससे पूछ गए बेटा? यहाँ कश्मीरी भी जो है ना बहाने से ही आता है दिल्ली, पता है कैसे सॉल बेचते हैं? चाल चाल कहाँ बेट बेटा, काम करने आना तो यही हो, बकचोदी के फार्म में सिर्फ विदेश भाई नहीं भरने हैं और कोई नहीं। बकचोदी का ठेका हमने लिया है, दिल्ली का राजा हम है, समझ में आ गई? कश्मीरी कहते हैं ना, कश्मीर हमारे पास है, होगा तेरे पास, दिल्ली हमारे पास है बहन के, लौड़े तू है क्या हमारे आगे? तू है क्या? भोसड़ी क्या है? भारत की राजधानी हमारे पास है बहन के, लौड़े तू तू फिल्म क्या है बे? तुझे हम लड़ने नहीं समझते भोसड़ी के, तू है क्या? और पता क्या बोलते थे फिर, तू कोई हो, और जहां कोई कह दिया ना समझ लो पक्का पिटेगा। बेटे मद्रास में सुन ले, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 99 नंबर लेके आने वाला भी ना यहां आर के पुरम में डोसा बेचता है। इसके बाहर नहीं दिखना चाहिए, समझ में आ गई? वॉल्यूम यहां सिर्फ हितेश भाई की ऊंची है, मस्जिदों की भी अगर आवाज वो तेज हो जाए ना तो मिनट में पूछ लेता है क्यों बे, फिर भाग गया। कोई हो तुम कोई, आगरा वाले कह रहे, यूपी वाले कह रहे हमारे पास ताजमहल है, दिल्ली हमारे पास है, भोसड़ी वाले तू है क्या? तुम हो क्या हमारे आगे? समझ भाई, स्पेशल ट्रेन चलती है बेटा यहाँ से, कह रहे देखा नई दिल्ली से आनंद विहार, बहन के लोड़े बिहारियों ने मेहनत करी इसीलिए तो आनंद विहार हमें मिला। आनंद हम करेंगे बे, माँ की चूत आनंद मार्गियों की, बहन के लंडों की। हम कुछ नहीं समझते भाई तुम्हें, गुजरात से, गुजरात से तो यहाँ का माँ चूता नहीं आया बहन के लंडे। दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों की चलती है, हम दिल्ली वाले हैं। बर्थ सर्टिफिकेट है भोसड़ी के, मोदी तेरे पास दिल्ली का, रिजाइन कर बहन के लंडे। मेरा दिल्ली में जन्म हुआ तो भाई, फिर बकवास कर रहा है ओए, सब पूछो यूपी वालों से, ओए ये गुजराती कैसे घुसा इधर? भोसड़ी के प्लास से दाढ़ी नोच लूंगा तेरी। अच्छा तेरे पहले पता लग गया, तुझे तुझे पहले पता लग गया? हाँ बेटा, सरदार भी यहाँ जो है ना तिलक नगर में ही सुट रहते हैं। जहां से कोई बात आती है ना मिनट में धमकी मिलती है, 84 याद है तुझे? हाँ पूछ ले किसी से भी, दिल्ली में छुटते ही धमकी देते हैं सरदारों को। यार लगता है 84 भूल गए, गुरुद्वारे भी बेटा दरवाजे बंद करके खुलते हैं यहाँ पे। पंगे लेके देख ले बेटा, यहाँ यहाँ सरदार पिटता हुआ दिखेगा नहीं, ठीक है? और सरदार से ज्यादा कोई पिटता भी नहीं है। बात मान जा मेरी, अच्छा जी।
2,500 करोड़ अदानी ग्रुप की कीमत। डन, पेड इन गोल्ड। निकल ले अब पतली गली से चल। अरे उड़न कटोले, अब पैदल जा गुजरात। अब महिंद्रा की स्कॉर्पियो तो मिलेगी नहीं तुझे। अदानी का जहाज भी गया, अब क्या करेगा बे? फुल असेट खरीदी। समझ नहीं आ रही तेरे अभी। अबे रिलायंस, इंडियन रेलवे, समझ में आ गई तुझे? नजारा दिखा चुका हूं मैं। डीएमआरसी, पाकिस्तान में थार कोलफील्ड, बाई क्या कहते हैं, बाइकोज, गवादर। अजी पागल आदमी है यार, मुझे तो खुद भी याद नहीं कितने सौदे कर दिए यार। सीपैक, भारतीय जनता पार्टी, कहाँ है बे तू? नजारा दिखा दी भाई साहब, अब क्यों बेशर्मी पे उतरे हुए हो? अबे नजारा दिखा दी। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मैंने खरीदी, अब किस बात की बेशर्मी पे उतरे हुए हो? हैं? और अभी दिखाई है मैंने वर्ल्ड मीडिया की, ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे न्यूज चैनल खरीदे हैं सिवाय समा टीवी को छोड़ के, सिवाय समा टीवी को छोड़ के। समा टीवी नहीं खरीदा, एक एक छोड़ दिया हमने, सिर्फ एक खाना छोड़ के चलते हैं भाई साहब। समझ में आ रही है? वरना मूवमेंट नहीं होती है। जी हाँ, बटालियन में ना फॉल इन होते समय एक सिपाही हमेशा कम होता है, ये बात सिखाई नहीं होगी तुम लोगों को आज तक। सिखाई है किसी ने? नहीं सिखाई। बटालियन में पूरी लाइन तो बनती है पर एक सिपाही नहीं रखते हैं ताकि मूवमेंट आसानी से हो सके, कोई कहीं भी एडजस्ट हो जाए। सीखा था ये? शाबाश। नहीं समझ में आई है? टन गोल्ड अदानी ग्रुप के लिए 2,500 करोड़ में बोला इसने। मैंने कहा ना पेड़, तो अब चेक करेंगे, अब हम उतने की असर है भी या नहीं है। 200 करोड़, दो सौ करोड़ पता नहीं कितने कितने का था, हिसाब किताब बता रहे थे, बाकी सब इसका पेनल्टी में वैसे ही मरा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स पता नहीं क्या क्या ठोका हुआ है इन सब पे। एयरटेल है तुम्हारा, बाकी कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, आरामको है, दुबई है, अभी दुबई की नज़ारा तानी बची हुई है। क्या अब भी समझ नहीं आया इंडियन मीडिया को? अबे हितेश बात कर रहा हूँ, ट्विटर हैंडल @हितेश रे1।
नजारा दिखा दी मैंने, अब भी नहीं समझ में आया दिल्ली पुलिस को? क्यों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? हैं? नहीं, कब्जा तो कब्जा ले लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? भारतीय जनता पार्टी असेट समेत खरीदी है, असेट समेत, और कांग्रेस रिलायंस खरीदी है बे, नजारा सो कर दी मैंने भाई, न्यूज़ ये है। मेरा गवादर वगवादर कोई इंटरेस्ट नहीं है, जहां बैठा हूं ना वहां दमखम दिखाना होता है, और कहीं नहीं, भारत में बैठा हूं। मोदी सरकार, माँ का भोसड़ा तेरी, मोदी की चलती है। मोदी झाँ ठोकाल ले बहन के लंड, अब तू मेरी भोसड़ी के, तेरी आँख के आगे बहन के लंड भारतीय जनता पार्टी खरीदी, मैंने दिखाई नजारत, माँ के चूत तेरी बहन के लंड, धुआ बहन के लौड़ तेरे जैसों पे, बहुत बड़ा बदमाश बन के आया था मैं गुजरात का, निकल लो बे गुजराती यहां से सबके सब, और साथ में उठाकर ले जा अपने डब्बे डुब्बे भी, हम अपने आप चला लेंगे पार्टी। इंडियन रेलवे खरीदी है, और बात सुन लो भैया, इंडियन रेलवे फॉलो दी ऑर्डर्स, वरना मैं सिस्टम बहुत खतरनाक तरीके से चलाता हूं, समझ में आ गई? रेल की पटरी के नीचे ना अब पिप्पा नहीं चलेगा, जिसने नहीं सुनी उसे उठा के फेंक देंगे बाहर, समझ में आ गई? सियाणे बन रहे, चले निकलो रेल मंत्रालय, कालीगार पीयूष गोयल नजारा शो कर दिया है, नहीं तो भोसड़ी का बाल पकड़ के खींच के निकालेंगे बाहर, श्याणा बन रहा बहन का लोड़ा, गधे का बच्चा ये बहन का लोड़ा, पीयूष गोयल इसकी माँ की चूट, डीएमआरसी सीआईएसएफ नजारा शो कर दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मुझे पहचानते, जो नहीं पहचानते उन्हें बता देना। बात सुनो भैया सरदारों, अपने गुरु नानक से जाके बात करो, मेरे मालिकाना आपको चैलेंज नहीं करना वरना मैं सुनूंगा, समझ में आई? पैसा हो तो बात करना मेरे से, चाहे तुम्हें स्वर्ण मंदिर बेचना पड़े मुझे मतलब नहीं है, वरना फालतू की बातें ना मैं सुनता ना मैं करता, समझ में आई? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, बस बाकी मेरे को आपके नेशनलिज्म और उससे कोई मतलब नहीं, आई एम डूइंग माई बिजनेस। बहन का लोड़ा भोसड़ी का, इसकी माँ की चूत पीयूष गोयल की, इसी इंडियन रेलवे में इस बहन के लंडन ने क्या करा, माँ का भोसड़ा मारा इसकी बहन के लोड़ा ने, बल्ब गायब कर दिया, मैं अपनी माँ के साथ जा रहा ट्रेन में से, क्यों सुनोगे नहीं? क्यों बे इंडियन रेलवे, ओ भोसड़ी के मोदी, क्यों बे
सेंट्रल विजिलेंस वाला है, लगवा ले, तू है भोसड़े का कोई तो करा ना मेरी नजारत कैंसिल, मैं भी तो सुनूं तुझे, बाथरूम साफ नहीं होंगे, बहन की चूत मारी इन माँ के लौड़ों की। इंडियन रेलवे खरीदी IRCTC इंक्लूड इन पाकिस्तान, चालू करो अटारी, मारो डबल जनरेटर फुल स्पीड, पायलट इंजन्स चेक कर रूट पूरा, हमें से बिजनेस से मतलब है, तू मत जा, मेरे अपने इतने लोग हैं, मेरी पर्सनल है, जिसने जाना होगा जाएगा, जिसने नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। हितेश रे वन ने खरीदी, हटावे ओए, भारत सरकार का उपक्रम नहीं है अब ये, प्रिंटिंग शुरू कर, प्राइवेट है, हितेश रे वन ओनरशिप है, कंपनी का नाम हितेश रे वन है भाई साहब, बिल्कुल है। क्यों भाई आया मजा? वाह भाई वाह, मेरे बच्चे ट्रेन में जा रहे हैं तो नीतीश कुमार ने लोग भेज दिए, क्यों भाई? नॉर्दर्न रेलवे, ओ नेहरू राय NR कांग्रेसी, नेहरू राय ओ सेल्टेक्स के बदमाश, ओ सेल्टेक्स के बदमाश, इंडियन रेलवे खरीदी, इंडियन रेलवे खरीदी है। हितेश बाबू क्या जाने 1000 रुपए कैसे कमाया जाता है, थूका तेरे मुंह पे, सेल टैक्स की बदमाशी दिखा रहा है, क्यों? बहुत बड़ा बदमाश है सेल टैक्स का, रोकिए जरा, सौदा कर लिया ना अब तो इंडियन रेलवे, जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क मैंने खरीदा, फॉर माय लवली वाइफ प्रीति मंडल, भोसड़ी के अगर किसी ने बदतमीजी करी ना, बहन के लोड़ो तुम्हारे घर के वहां ना स्टेशन पे ट्रेन नहीं रोकूंगा। हम चलाएंगे, रेल बनाने का काम मेरा था यार, मैं बना रहा हूं ना रेल, ओ मैं को याद आया, ओ सियाराम भोसड़ा चितरंजन कारखाने में काम करता, और 30 साल आदमी को आदमी नहीं समझते ये। ओ सुनील, ओ झगरू के थुआ बहन के लंडो तुम्हारे मुंह पे, क्या कभी सामने मत आइयो दोबारा, समझ में आ गई, सामने मत आइयो दोबारा, मां के लोड़े कुमारपुर लेके जाऊंगा ट्रेन, समझ में आई? अब बिल्कुल लेके जाऊंगा सिंगल, तो रोक के दिखा, असेट समेत खरीदा है चितरंजन कारखाना भी, असेट समेत, जमीन से नीचे और जमीन के ऊपर भी, रोक के देखा, थम खोलेंगे ना अटारी, सिक्योरिटी तो चाहिए ना, क्या जरूरी है, सामान आएगा जाएगा भाई साहब,
ओपन ट्रेड ओपन बिजनेस है मेरा, रोक के दिखा। नेपाल तक ले जाएंगे ट्रेन, बांग्लादेश तक, कोई रोक टोक नहीं। समझ में आई? कोई वीज़ा नहीं, पासपोर्ट नहीं, टिकट भी बहुत नॉमिनल होगी। अपग्रेडेशन हम करेंगे, हम दिखाते हैं चमका के तुम्हें ट्रेन की सर कहते हैं। और अगर बेटा टीटी किसी ने रिश्वत मांगी ट्रेन में और मैंने देख लिया, तो बेटा जिंदगी सजा मौत इनाम होती है, सोच लेना। क्यों भाई, विक्रमशिला एक्सप्रेस, क्या हाल चाल है भाई? लोगों पहचाना? और प्रवास भैया, एक दो नाम याद है, पहचाना? अभी बेच रहे थे, खरीद ली, नजारा शो कर दिया। बात सुनो बे, सारे DRMs अपनी ड्यूटी पे बने रहेंगे अगले आदेश तक। बेस्ट चाहिए, सैलरी 3 गुना दूंगा, पर जो कहा वो कहा, हो जाना चाहिए, वरना घर जा सकते हो। कोई रिश्वत नहीं, कोई स्टाफ नहीं चलता, मेरा तरीका सीधा ही है। अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, पर सिर्फ नौकरी तक। ओनरशिप कोई चैलेंज नहीं कर सकता, समझ में आ गई? एमट्रक का नाम सुना है? खेल अभी बाकी है भाई, सब एमट्रक का सौदा लगा हुआ है, खरीद के दिखाएंगे एमट्रक भी, सब खरीदा। ये दिखना नहीं चाहिए। मोदी तो पैदल जाबे, नो कैनिबलिज्म, नो पिप्पा, नो बाल्टा शाल्टा। और बात सुनो भैया, वो ये जो ऐतिहासिक पुल उल है, ये सब मत तोड़ देना। रेलवे की ब्यूटी एज इट इज रहेगी, जैसी ये है अच्छी लगती है। तो तेरे का दर्द हो गया? चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी बनेगा। पंगे लेके देखियो भाई, अब चढ़ियो भाई, मोकामा से बदमाश चढ़ियो, ट्रेन ही नहीं रोकूंगा, गायब कर दूंगा बेटा मोकामा स्टेशन ही। फिर क्या कर लोगे तुम, फिर क्या करोगे? अब आइयो बड़ा बाढ़ बढ़िया पे आइयो जरा। बाढ़ बढ़िया का है, आइयो जरा। अब स्टेशन ही गायब है बेटा बीच में से। बदमाश हो तुम, बाढ़ बढ़िया के हो? अच्छा जी, बड़ी तगड़ी बदमाशी है, स्टेशन कहाँ है बेटा? तो रुक तो सही, पटना 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 के बहाने जाएगा सटना, पटना भी कहाँ है बेटा? एक घुमा के ले जाऊंगा उधर से, ऐसे बढ़िया जगह से ले चल। दोनों साइड ना रेल की पटरियां चल रही है, दोनों साइड लेटरिंग के वो गिरा रखे, दोनों साइड जो है वो डाल करके ना टनल, टनल में से निकाल यार, कुछ भी कर। ब्यूटी एंड क्वालिटी एक साथ, नीटनेस। बच्चे आ रहे हैं अभी दिल्ली भागलपुर से, भागलपुर DRM। कौन है भैया? प्रीति मंडल, शौर्य मंडल, ध्रुव मंडल और धान्या मंडल। टिकट बुक हुई होगी, क्या हुआ है देखो। हाँ, बहुत प्यार से, सेफली, राइट, चेक कर लीजिए। हाँ?
बिल्कुल करेंगे किराया कम जी। हाँ फर्स्ट एसी, फर्स्ट एसी लेके आऊंगा 1500 रुपये में, ला के रहूंगा। राजधानी का किराया 60% कम करूंगा। पैसे की कोई कमी नहीं मेरे पास, जब तक जिंदा हूं तब तक ऐश करो, पर अगर मेरी चीज तोड़ी या फोड़ी या खराब की तो ठीक बात नहीं होगी। समझ में आई? समझ में आई? बस वो तो अभी आऊंगा तब देखूंगा। और पैलेस ऑन व्हील बेटा, सारी ट्रेनें ऐसी चलाऊंगा, तुम रुको तो सही। समझ में आ रही है? नहीं, ये वाले जो नए रैक आ रहे हैं ये जमीन के नीचे चला देंगे, इसी के नीचे सेम चल रहे थे ना, क्या जरूरत है, मंगा लेंगे सर 1000 TV अब और क्या जा रहा है, और क्या, जहां जरूरत है वहां रेल नेटवर्क को लगा देंगे। हर रैंक में सैलरी 3 गुना, सर्विस मिलते ही पब्लिक ये कह दे वाह क्या बात है, ठीक है। और शराब पी करके कृपया ट्रेन में यात्रा ना करें, वरना बेटा बोतल तुम्हारी गांड में दे दी जाएगी, याद रख लेना। बहुत बड़े वाले हम, ठीक है। कोयले के इंजन तैयार हुए बे 2-4, मैंने कहे थे ना कुछ एक रखे थे तैयार करो, निकालो यार कुछ एक चलने दे, क्या दिक्कत है, थार कोल्ड फील्ड से कोयला लेने वही जाएंगे। चलने दे 2-4 और क्या, नहीं धानिया को अच्छा लगेगा देखने में, धानी ध्रुव को मजा आएगा देखने में इंजन, है ना। ओए कमांडो बनेगा तू, सौर है ट्रेन चलाना सीख, लोको पायलट डीजल इंजन, जी हाँ। हम क्या करें, कैश सारा जी हाँ। हितेश रेवन मैं सर इसी में सोलो 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 अकेले खरीदी है भाई साहब, अकेले 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 अपने दम पे खरीदी है, किसी का पैसा नहीं है, मेरा अपना पर्सनल पैसा है, कोई नहीं है पार्टनर भाई साहब। वो तो नहीं नहीं मालिकाना हक तो मेरा ही रहेगा, वैसे प्यार से बोल दिया प्रीति तेरे लिए खरीदी है। हाँ नहीं हुआ उस पर आके कहे तो कमाता कहाँ है तू, मैं कहा अभी अंडा ब्रेड की दुकान लगा रहा हूं। भैया रेलवे स्टेशन के आसपास लोकल शॉप जो लग रही है, लगाने से मना नहीं है, ग्राहक से बदतमीजी नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे, जुआ नहीं खेलोगे, ड्रग्स नहीं बेचोगे, गंदगी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा करते पाए गए तो दुकान तो वही रहेगी, मालिक चेंज कर देंगे, राइट। वहां पे दुकान लगाने का पैसा आपसे रेलवे स्टेशन वाले लेंगे, आपकी पर्ची बांध दी जाएगी, पर दुकान परमानेंट नहीं होगी। समझ में आ रही है? किसी भी कारण से कभी भी किसी समय आपको हटने के लिए कहा जाएगा, ठीक है।
नहीं समझे? हाँ जी हाँ जी, जी। अरे भाई साहब, ओनरशिप खरीदी है एसेट समेत, रेलवे की जमीन समेत खरीदी है, लीज पे नहीं लिया चलाने के लिए। पागल समझ रहा हो तू मेरे को? मालिकाना हक खरीदा है। अब ये भारत सरकार की नहीं है। हितेश मंडल, लिख ले वोटर आईडी नंबर भैया, दिखेगा इसमें। YRI 23999375। आया मजा? चो भैया, DMRC सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है? चेंज ट्रांसफर है जी आपका, जो सिक्योरिटी DMRC के अंदर है, CISF, या तो आप अपने बैरक में रिपोर्ट कीजिए या वहां से आप अपने परमानेंट ऑर्डर्स ले सकते हैं। हो सका तो हम सिक्योरिटी को परमानेंट कर देंगे हमेशा के लिए, बात खत्म। चाहे स्टाफ जितना भी हो परचेस कर लेंगे, नहीं तो हम अपनी सिक्योरिटी लगा देंगे इंडियन रेलवे में भी, RPF और कौन सी है? RPF ही है ना, एक और है यार, नाम भूल जाता हूँ बार बार, दो है ना, परमानेंट परचेस कर लेंगे। हाँ स्टाफ ही परचेस कर लेंगे, क्या दिक्कत है, 3 गुना सैलरी सबको मिलेगी DMRC में भी और रेलवे में भी। पर अगर सर्विस में कमी दिखी तो यहाँ सीधा एक ही सेंटेंस होता है, मामला मुस्तक आ गया तो, और मैंने अगर ट्रैवल करते हुए देख लिया तो सस्पेंड एंड टर्मिनेट, जा सकते हैं और कार्रवाई अलग होगी, मारते नहीं हम, घसीटते बहुत हैं। ठीक है, नहीं नहीं किराया तो बहुत कम करेंगे, ये बहुत ज्यादा है यार। बात वही है यार, पैसा जो है कागज उतना ही फिर लेन देन यूज हो रहा है, फायदा क्या है? आप समझ रहे हो, मुझे पता ना पैसा कैसे कमाया जाता है। नहीं मैडम जी, कंजम्पशन पे पैसा होता है, डेप्रिसिएशन पढ़ी है कभी? चीज का इस्तेमाल कितना हुआ, पैसा वहां कैलकुलेट होता है, कौन आके कितना दे रहा है वो तो पेपर मनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर में डिजिटल है। घिसा कितना, ये लोहा कितना घिसा आपने, गोल्ड कितना घिसा, क्यों? नहीं हितेश रेवान जी, हाँ टिकटिंग का चेंज हो जाना चाहिए। नहीं इंडियन रेलवे इंडियन रहेगा तो इंडियन रेलवे ही। हितेश रेवान बना देंगे, डिजाइन देख लेंगे।
सारी चीजें चेक किया करूंगा। बड़ा मजा आता है घूमने में। ज़ारा चलेगी ट्रेन में? हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, चलाएगी रेलवे चलाएगी, क्वालिटी चेक। ज़ारा जोया चल, तीनों मिलकर चलाते हैं रेलवे। अब बात सुनो भैया, वो स्टेशन पे से मजार बाजार हटा दो भैया। ये हनुमान जी बैठे हुए ना स्टेशनों पे, ये मत कहना हनुमान जी हटा दिया तो खुद ही जाकर पटरी उखाड़ दी। हनुमान जी को बोलो उधर चलो। नहीं नहीं, अगर रेल की पटरी के आड़े आ रहे हैं तो अलग बात है। अरे छोड़ना, वही नमाज वाज मत पढ़ना है। बैठ के प्लान करेंगे, मीटिंग अरेंज कीजिए इंडियन रेलवे में टॉप ऑफिशियल्स। इस हिसाब से तो किस बात की वक्त वक्त की बात है? तू जानता नहीं था मेरे बारे में मैं कौन हूं? किस बात की वक्त 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 की बात बोल रहा है? अबे मैं शुरू से वही हूं और आज भी वही हूं। तेरा वक्त वक्त की बात है बेटा, ये परमानेंट ऑर्डर पे खरीदी गई है, परमानेंट असेट पे। पूरी जिंदगी क्या 100 युग लगा लेगा ना, रेलवे नहीं खरीद पाएगा तू मेरे से दोबारा कभी। ये हमेशा के लिए मेरी हो गई और ये बिक नहीं सकती, लॉक कर दिया गया है सौदा। ये बेच रहे तो मैंने खरीद ली, क्यों भाई? भैया बेच रहे थे, मैंने खरीद ली, दिक्कत क्या है? क्यों ये बेच रहे थे, मैंने खरीद ली। अब ठीक है, पेंट्री में आराम से बैठ के जाया करेंगे। आऊंगा आनंद विहार, बात करूंगा। आनंद विहार पे लिखवा दियो जरा मेन गेट पे ही, और वो स्टाफ खड़ा करियो जो पहचानता हो मुझे। कीजिए, मना थोड़ी किया है, मैं तो कभी किसी को मना नहीं करता। बिजनेस करना है मेरी कंपनी में,
बात कीजिए, टॉक टू मी, पैसे का मामला मुझसे बात होगी, पैसा यहां चाहिए। नहीं, जो जो स्टाफ मेरे कंपनियों में जो जहां लगा हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको मैं वहीं परमानेंट कर दूंगा, उसी में 3 गुना सैलरी पे। बाहर का स्टाफ मैं लाऊंगा ही नहीं, उस हो सका तो फिर यही रूल रहेगा, नहीं एम्प्लॉयज घटेगा बढ़ेगा वो देख लेंगे, उन्हीं की फैमिली का स्टाफ जो है चलाएगा, बस अंदर ही पोस्टिंग चेंज करते रहेंगे, देखते हैं क्या होगा। खरीदी मैंने अपनों के लिए ये सब चीज़ें, अरे कहाँ से आ गया भोसड़ी का, ईरान से उठावे अपने, वो बुरिया बिस्तर, बहुत हो गया ड्रामेबाजी, कोई क्लॉज नहीं छोड़ा हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का को कोई हक नहीं है, जमीन समेत खरीदी है रेलवे, 100%। बात वही आ रही है, जब 100% आप विदेशी निवेश के लिए तैयार हो तो भाई मैं क्यों नहीं खरीद सकता, हाँ या ना? इसी बात की तो आर्ग्यूमेंट मैंने कही, मैंने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी बात करने को तैयार हूं, डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के अंदर ट्रंप टावर बनाने की बात कर सकता है तो हितेश क्यों नहीं लगा सकता पैसा, फिर किस बात की पिप पावर कैनिबलिज्म और वॉर की धमकी है, फिर किस बात की धमकी है, है? बताना तो पड़ेगा। हम नहीं सुनते किसी की, समझ में आ रही है? होम मिनिस्ट्री की धमकी दे रहा था, ओ जगरू के होम मिनिस्ट्री की धमकी दे रहा था अच्छा जी, ओ परमानंद गड़े में बंद, आई टट्टी नलका बंद, ओ नकटे भाग भोसड़ी के, कल रात को भी धमकी दे रहा बहन का लंड, कह रहा मैं आया ना किदवाई नगर, आवाज लगा रहा था, हितेश ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया डर के मारा, भाई नहीं, मैंने कहा भाई छोड़ ना भोसड़ी के गरीब फिरा गए बहन के लड़े भी मंगे ओए ओए ओ नकटे, क्या चल निकल ले, चल भाई निकल ले, अब बिहार कैसे जाएगा जनता पार्टी है, अच्छा जी वाह भाई वाह, जनता पार्टी अच्छा जी, बड़ा अजीब सा मुंह बना के ट्रेन में टिकट खरीदेंगे अब हाँ मेरे से कह रहे तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंचेगा, और हर बार मोबाइल का जो रिचार्ज करा रहे हैं ना एयरटेल का मालिक हूं भोसड़ी वालों सारा मेरी हंसी नहीं रुकती कह रहे तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंचेगा, और बिजली का बिल देने हर महीने पहुंच जाते हैं बीएसईएस का मालिक हूं और मोने सलाई जी जारा को समझने में थोड़ी देर लगेगी, मेरे लिए जो काम करते हैं लोगों, मेरा घर परिवार होता है, मैं कोई दिमाग नहीं लगाता, ठीक है, यह पूरा आग बंद करके भरोसा करने वाला आदमी हूँ, कोई कुछ नहीं सोचता, मैं वही कह रहा हूँ मोने सलाई जी को, अरे वो बकवास कर रही है मैं नहीं कर रहा अब पता है क्या सुनने समझने वाली बात है
कह रहे इसके घर एक रुपया नहीं पहुंचेगा, हर महीने जाके आईजीएल का पैसा जमा करा के आईजीएल का मालिक हूं। पेट्रोल इंडियन ऑयल खरीदी पेट्रोल, हाँ इसको इसको तो एक रुपया नहीं देंगे, और हर बार जाके ओए गाड़ी की टंकी फुल कर दियो पैसा यहाँ ओए अबे ओए गरीबों के अच्छा प्रीति एक काम करियो, दोनों बगल में जो मकान है उनको बोले थोड़ा थोड़ा उधर डाले मकान को यार नहीं तो खाली कर ले यार, तुम कोई बात नहीं कुछ ज्यादा ही चिपक गए। और उसको बोले हो मैं तो ये सारा कहा था, मैंने कहा कुछ दिन बाद ना तो खुद ही कहेगी अपने बाप को देख के, नहीं ये वो थोड़ी है मैंने देख रखे हैं, तू चिंता मत कर इनके इनके साथ इनके इनके साथ जो मामला है ना सुधर समझने वाली बात है। मोदी कह रहा बस इतना पूरी कोशिश करो इस तक इसका पैसा नहीं पहुंचना चाहिए। ओ यार जरा एयरटेल रिचार्ज करा दियो भाग के कहां जाओगे, कहां तक भागोगे भाई। सोचने वाली बात, हर वो हर सिस्टम खरीदूंगा और कुछ नहीं सुनना, पर जिन्होंने तंग किया है वो तो बंद ही कर दूंगा, नहीं खरीदना मतलब मेरे बिजनेस में नहीं है वो लोग। इंडियन आर्मी वालों से प्यार से बात कर लियो भाई साहब, वो पैसे पहले बता देना, ट्रेन बाद में जाएगी पाकिस्तान से लड़ रहे तो हम क्या करें हम क्या करें। अरे ओए ये ट्रेन के दोनों साइड जो घर है कितने मीटर तक खरीद है डीआरएम साहब, इंची टेप निकाल के जरा नाप ही लो कितनी मस्जिदें हैं, हटा रहा नहीं हटा रहा है बेटा गोल्ड गोल्ड चढ़वाऊंगा सर ट्रेनों पर, चिंता मत करो मैं असली वाला हूं इसमें बुलाइए ओए तू तरा इधर ओए रब्बी पीर ज्यादा इधर कान और ट्रेनों पे पेंटिंग वेंटिंग करेगी करी करी तेरी जेब में 10,000 रुपए भी है, मुझे मुझे इन बातों का बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा मानता हूं मैं बहुत ज्यादा। मैंने उसी दिन से दिमाग हटा लिया था तेरे पे से, मैं कहा चल जा अब तो फिर कभी बात करेंगे तेरे से, जो तो पेंटिंग यूज करती है ना कैमल कलर पूछो उसका मालिक कौन है समझ में आई, मीडिया में बनी रही हो भगी हो मत अभी, रब्बी पीरजादा अपूर्वा सिंह भगना नहीं अभी है, भगना नहीं क्रीम क्रीम नहीं मैडम नहीं समझ में आई, बहुत बुरा लग गया था मुझे। फिर मैंने फिर मजबूरी में मुझे मुंह खोलना पड़ा अपना, क्या करूं जवाब तो देना पड़ेगा ना तुझे, समझ में आ रही है।
और बात सुन लो भैया, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर एक जगह भी, और नक्सलियों एक जगह भी ट्रेन की पटरी तोड़ी या ट्रेन को नुकसान पहुंचाया, बेटा रेजर शार्प लाइव ऑन रोड है। नहीं अबे दाढ़ी मूछ, तुम्हें नहीं पता रेजर साहब क्या करते हैं मेरे बंदे? उस्तरा लेके बंदे को जबरदस्ती पकड़ के दाढ़ी मूछ काट वाट के आईब्रो वाईब्रो पूरी साफ वाफ करके लाते के मारते हैं भागे यहां से। नहीं अपूर्वा नहीं, भागना नहीं, मीडिया में बने रहना ठीक है, बहुत कुछ देखना है आपने, समझ में आई? तू भी बनी रही हो चुद्दी, शकल देखिए इसने कभी अपनी, देखिए मैडम बहुत अच्छे से देखिए, और जिन्होंने तेरे को समझाया ना उनको भी बता दियो, समझ में आई? कुछ बातों का बुरा तो लगा है मुझे, बात हो रही सब कुछ हो रहा है ठीक है, अचानक बोल पड़ी आ रही है, कह रही तेरी जेब में 10,000 रुपये भी हैं, हैं? अच्छा ऐसे बात कर रही है यार, तू पहले बता देती यार, तू पहले बता देती। लगता है इसको क्रीम टेस्ट करने का बड़ा शौक है, गोरी चट्टी इसने कभी देखी नहीं है, पूरा पहले बता देती यार, बुरा तो मान गया मैं, खैर कोई बात नहीं, बनी रही हो, देखो उधर 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 भारतीय जनता पार्टी खरीदी, नजारत पेश करी है मैंने, उसी पार्टी के लिए मरे जा रहे थे ना अंदर प्रधानमंत्री बनने के लिए, बैठा हूँ आराम से, जिंदगी भर मेहनत कर, पीएम तो नहीं बनने दूंगा तुझे भारतीय जनता पार्टी के थ्रू, और तू भी सुन रबी पीस दादा, कहा तो कहा, समझ में आई? मजा आता है मुझे, पिप्पा मूवी नहीं थी ये, मेरे पे पिप्पे पे हमला कर देगी हैं? कैसे चेक कर ली मैंने एसपीजी तेरी हैं? रवि पीर ज़्यादा जो है मुझ पे हमला करेगी, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है भैया? जमात उद दावा, लश्कर तैयबा, तोरा बोरा, कौन कौन से हो? अगर बेटा रेलवे को नुकसान पहुंचाया, घर से निकाल निकाल के मारूंगा बेटा तुम सबको एक एक जगह से, चाहे तुम कोई हो, कोई, समझ में आई? कोई हो तुम, हाँ कोई, उधर जा आईएसआईएस है तो उधर 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 जा, जहा हाँ उधर, यहां तंग नहीं करना मुझे, हाँ बस जब मर्जी, जब मुझे क्या दिक्कत है, हाँ? यहाँ दोनों तरफ की रेलवे मिला के, नहीं भैया सरदारों को नौकरी नहीं मिलेगी भाई रेलवे में, नहीं भैया साफ सीधी बात है, आप लोगों का जो,
देखो भैया, रिलीजियस फैंटिक हो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मत आना, क्योंकि भैया तो बीड़ी सिगरेट सब चलता है, इसलिए भैया दूरी बना के रखो आप हमसे। आप लोग क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो मेरे को तो भैया पता नहीं, मैं तो सिर्फ बिजनेस करने में बिजी हूँ, बात खत्म। बेस्ट आइडियाज मोस्ट वेलकम फॉर इंडियन रेलवे। कृपया सभी यात्रीगण ध्यान दें। और ये जो टंकियां लगा रखी है ना, इसका कुछ करो यार, टॉयलेट की सुविधा सुधार लो यार, सबसे पहला काम यही है, ठीक है। और ट्रेनों में हॉकर्स जो है आप लोग बेचिए, सामान की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मना नहीं है, ठीक है। हर स्टेशन पे आपके लिए अलग फैसिलिटी का इंतजाम किया जाएगा, आपसे कोई ना पैसे मांगेगा, पर हाँ अपनी आईडी रखिए, लाइसेंस बनवाइए और एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन।